बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। देखे रोज इधर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में 1.5 अरब रुपये के मनसूबों का इफ्तिताह किया गया है और ये सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। तो बहरहाल ये अगर ये कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का क्याम, तो बेशक ये ज़िला चकवाल की तारीख का एक आला तालीम के हवाले से एक ये रोशन बाब है और ये इसका तमाम तर क्रेडिट यकीनी तौर पर सूबाई वजीर राजा यासर को जाता है। तो बहरहाल ये अभी 1.5 अरब रुपये की इन्होंने ये ग्रांट अभी खसूसी मंजूर करवाई है और इस पर काम भी शुरू हो गया। तो ये बड़ा आज भरपूर तरीके से इसका एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ। तो इस मौके पर क्योंकि मुल्क का सियासी मंजरनामा धुआंधार है तो राजा यासर सरफराज ने पुरमकद बड़ी ये सियासी गुफ्तगू की है। तो ये ज़रा मुलाहदा करें। अदम एतमाद जो है वो अपोजिशन का हक होता है और अगर जो आपकी इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके साथ मिल जाएँ तो ऑब्वियसली उनके साथ मिलकर हमने हुकूमत बनाई है तो उनके साथ मिल जाएँ तो वो कर लेनी चाहिए। कोई उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये डेमोक्रेसी का जमहूरियत का हिस्सा है और हमने पहले भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि अगर आप वो फेयर तरीके से तरीके अदम एतमाद लेके आएँ और अपनी मेजॉरिटी शो करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अब जहाँ तक बात यह है कि जो दोबारा इन्होंने छांगा मांगा की सियासत शुरू कर दी है और जो डिफेक्शन क्लॉज है जो कि खुद ही नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके कानून बनाया था कि ये आइंदा जो मवेशी मंडियाँ हैं ये ना लगा करें और ये सिस्टम को चेंज किया जाए तो अगर इन ये जो MNAs बैठ जाके बैठे हुए हैं वो इतने ही अपने आप को उनमें गैरत है और अपने आप को ख़ानदानी समझते हैं तो इस्तीफ़ा दें और उसके बाद आके अपना इलेक्शन लड़ें और उस पार्टी में शामिल हो जाएँ। ये इससे ज़्यादा तो ये तो अपने आप को आप वोट लेके आए इमरान खान के नाम पर तो आपको उसका तो अगर आपको इमरान खान पसंद नहीं रहा होगी तो एक ऑनरेबल तरीका होता है ना। ऑनरेबल तरीका ये है कि वो इस्तीफ़ा दें अपनी सीटों से और फिर इलेक्शन लड़ें और फिर उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये जो एहतजाज हो रहा है ये इस डिसऑनर के खिलाफ हो रहा है। थैंक यू। दोनों तरफ से बड़े जलसों का ऐलान हो चुका है, अगर ऐसा होता है तो क्या टकराव नहीं होगा? देखिए जलसे जो है वो पुरमन जलसे होना तो जमहूरियत का हुसन है और होने चाहिए। अब असल में तो ये मैनेजमेंट का काम है कि एक दिन पे दोनों जलसे ना रखे जाएं, ये दो अलग वेन्यूज़ पे हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। ना तो कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और PTI भी, तो आज तक इनका आपस में मेरा नहीं ख्याल कि लड़ाई होगी। हाँ अलबत्ता फजलुर्रहमान को जो अपने घुंडों को संभाल के रखना पड़ेगा।